हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.2 एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ एज वेल एज 100, 1000. Okay, so let us explain. Look at the screen board. We have any example? 9, 8, 3, 4, 12, 70. तो हमें इसमें फाइंड करना है टेंस वैल्यू तक नियरेस्ट नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सॉल्व। हम एक नंबर लाइन लेंगे, इसमें यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, सो फर्स्टली नाइन 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 में हमें टेंस वैल्यू तक फाइंड करना है। ओके, टेंस वैल्यू तक, तो नाइन टेंस वैल्यू मीन्स टेंस, दिस इज वंस एंड दिस इज टेंस। सो दिस इज टेंस, टेंस वैल्यू एक डिजिट रहेगी 1 to 9 एंड आफ्टर दैट डिजिट ऑलवेज 0। ओके, सो हमें टेंस वैल्यू तक फाइंड करने बोला है। तो नाइन नाइन किसके नियरेस्ट है? 10 के। तो 9 की वैल्यू आएगी 10 एज वेल एज 8। 8 भी 9 के नियरेस्ट है, 8 की वैल्यू 10। 3, 4, 3 और 4 में टेंस की, टेंस तक वैल्यू फाइंड करने बोला है। सो वन टू फोर तक जो वैल्यू रहती है उसका नियरेस्ट मान 0 रहता है। सो हमें यहाँ, हम यहाँ पर 13 एंड 14 लेते हैं। ओके, 13 में 20 तक अगर हम जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स वैल्यू के बाद 20 आएगा, और इधर 1, 2, 3 और 2 वैल्यू के बिफोर 10। सो इसका नियरेस्ट मान क्या होगा? 10, 13 का 10 एज वेल एज 14 का भी 10, देन 12 का भी 10, देन 17 का नियरेस्ट मान 20, बिकॉज 1, 2 वैल्यू आफ्टर दैट 20, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 वैल्यू बिफोर 10। सो 17 की नियरेस्ट वैल्यू 20। ओके, एज वेल एज हम 100 नियरेस्ट
हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ फाइंड करेंगे एंड थाउजेंड। सो सेकेंडली एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। ओके एक्सप्लेन, वी हैव एन एग्जाम्पल 841 9537 168 179। सॉल्व 841, 41 फर्स्टली 100 बाय वैल्यू, 100 नियरेस्ट बाय 100 फाइंड करना है हमें। सो फर्स्टली हम 1 से वैल्यू देखते हैं। 41, 41 किसके नियरेस्ट है, 50 की या 40 की? फोर्टी वन इज नियरेस्ट टू 40। ओके तो फर्स्टली हम 840 नोट करेंगे, देन 40, 40 नियरेस्ट 800 की कि 900 की? ऑफ कोर्स 800। सो इसका आंसर क्या आएगा, 800 ना कि, मैंने समझाने के लिए आप लिखा था। देन यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके 9536। फर्स्टली आप उसी प्रकार देखिए, 37, 37 किसके नियरेस्ट है, 30 के क्या 40 के? ऑफ कोर्स 40। सो फर्स्टली 0। देन 54, 54 किसके नियरेस्ट है, 50 के? सो 0। देन 5, बिकॉज हमें 100 तक वैल्यू फाइंड करने बोला है, हमारे पास ये वैल्यू 1000 में गिवन है, देन हमें 100 तक नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करने बोला है, सो हम 100 तक ही वैल्यू फाइंड करेंगे। देन 100 प्लेसिंग इज डिजिट्स 129 एंड आफ्टर दैट डिजिट 0। As well as 168, 68 is nearest to 200, as well as 169 is nearest to 200. This is answer. So इस प्रकार आप find करेंगे, as well as आप 1000 value find करेंगे. So secondly, estimating to the nearest thousands by rounding off. Okay. We have an example, 1000 तक वैल्यू एस्टिमेट करना है, 1, 2, 3, 4 thousand, ओके 1, 10, 100, 1000, 1000 तक। सो 73, 73 इज नियरेस्ट 70, ओके 70, 57, 57 इज नियरेस्ट 60, 60, 60 इज नियरेस्ट 100, सो दिस वैल्यू 300, 3000, ओके एज वेल एज, सो हमें इसे इस प्रकार लिखना है, 73 इज नियरेस्ट 3000। फाइव थाउजेंड, 1, 10, 100, 1000, 10000, दिस वैल्यू इज गिवन 10000, बट हमें फाइंड करना है 1000 तक, सो हम 1000 तक ही फाइंड करेंगे। 50, 50 नियरेस्ट टू 10 to 100, ये कॉमन है, सो हम इसमें 10 या 100 कुछ भी ले सकते हैं, सो हम इसमें 10 लेंगे। ओके
सो 510, 51, 51 इज नियरेस्ट 100, सो 300, ओके। फाइव थ्री जीरो जीरो जीरो, सो दिस इज 3000। थ्री हमें जैसे 1000 तक फाइंड करने बोला, तो 1000 की प्लेसिंग वाली जो वैल्यू रहती है वो डिजिट होगी आफ्टर दैट डिजिट इट जीरो, ओके। सो 1000 टू, जैसे हमें टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, थाउजेंड तीनों में से हमें जिसमें भी बोला कि टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन हंड्रेड की या थाउजेंड की, सो हमें उसमें नियरेस्ट वैल्यू देखना है। नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू को हम फाइंड पुट करना है देन अकॉर्डिंग टू राउंडेड ऑफ, ओके। सो इम्पॉर्टेंट नोट, आज हमने जो पढ़ा उसको इम्पॉर्टेंट नोट, फर्स्टली हमें टेंस तक वैल्यू फाइंड करना सीखा, ओके, नियरेस्ट बाय टेन, ओके। सो उसमें 1, 2, 4 वैल्यू इज जीरो, देन हंड्रेड नियरेस्ट बाय हंड्रेड, ओके। सो नियरेस्ट बाय हंड्रेड 1, 2, 49 जीरो। अगर हमारे पास 1 to 100 तक वैल्यू नियरेस्ट बाय हंड्रेड फाइंड करने बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 या 49 भी वैल्यू आ रही है तो हम उसकी जगह में जीरो फाइंड करेंगे, ओके। वो देता ही नहीं। सेकेंडली, थर्डली 1000 तक वैल्यू, सो 1, 2, 499 और नियरेस्ट जीरो। वेल एज हमें यदि कोई एग्जाम्पल, वी हैव एनी एग्जाम्पल टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, ओके। वी हैव एन एग्जाम्पल एस्टिमेट नाइन्टी प्लस सेवेंटी नाइन सॉल्व। फर्स्टली हमें यहाँ पर वी कैन सी दैट दिस वैल्यू इज थाउजेंड्स में गिवन एंड दिस वैल्यू इज 10,000 में गिवन है, ओके। सो हम यहाँ पर प्लेसिंग करेंगे स्मॉल वैल्यू को देखकर, स्मॉल वैल्यू इज 1000, सो 7986 इज ग्रेटर देन 5290। सो फर्स्टली हम यहाँ पर एस्टिमेट राउंडेड ऑफ नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। नियरेस्ट वैल्यू हमें फाइंड करना है 1000 तक। फर्स्टली 17,986 नियरेस्ट टू 9990 इज नियरेस्ट टू 1000। सो 7 इज नियरेस्ट 10, सो उसकी आगे वाली वैल्यू आएगी, सो 17,000 की जगह हमारे पास 18,000 इज ग्रेटर देन 5200। 5 2 2 ऑलरेडी बिफोर मीन्स 2900, 200 की 200
200 के नियर हो गए, 200 के नियर, तो सो 5 and 200 इज नियरेस्ट टू 5000। ओके, 5000 की नियरेस्ट वैल्यू है 5290। सो अब हम इसमें करेंगे, हमें एडिशन दिया है, सम ऑफ दिया है, सो हम यहाँ पर एडिशन करेंगे। 8000 माइनस 5000, 8 माइनस 5 3 1, दिस इज द आंसर। जीरो 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 8 प्लस 5 8 9 10 13 13 3 कैरी 1 1 प्लस 1 2, दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट, यहीं पर अगर हमें डिफरेंस फाइंड करने बोलता तो डिफरेंस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाता, देन 1 की रिप्लेस करते हम, 2 को रिप्लेस करते 1 से। ओके, सो डिफरेंस में हम इस प्रकार करते, एज वेल एज मल्टीप्लाई डिवीजन में भी इस प्रकार करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 19, 20, 22 एंड एक्सरसाइज 1.3 ऑफ पेज नंबर 23। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है एंड ग्रुप में सेंड करना है। पेज नंबर 19, 20, 22 के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ट्राई दिस गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।